मामला सुपौल जिला अंतर्गत लूट गिरोह अपराधियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देते उससे पहले ही सुपौल पुलिस द्वारा हथियार सहित जिंदा कारतूस मोबाइल 3 बाइक के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार करने का है। एसपी श्री डी अमरकेश ने बताया कि अंतर जिला लूट गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय अंतर जिला लूट गिरोह के 5 अपराधियों को धर दबोचा है, जिसके पास से 2 पिस्टल, 4 देशी कट्टा, 26 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 3 बाइक भी बरामद की है। इसको लेकर एसपी श्री डी अमरकेश ने बताया कि लुटेरे गिरोह के इन 5 अपराधियों की गिरफ्तारी में पीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा, राघोपुर एसएचओ रजनीश केशरी, पीपरा एसएचओ नागेंद्र कुमार त्रिवेणीगंज एसएचओ संदीप कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस बल द्वारा लूट गिरोह मामलों का उद्भेदन किया। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधियों में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के कन्हैया उर्फ मुरारी चौधरी, वीरेंद्र यादव, आशीष यादव, राघोपुर थाना क्षेत्र में अशोक यादव, गमहरिया थाना क्षेत्र से निरंजन यादव शामिल है। बताया गया कि कन्हैया उर्फ मुरारी चौधरी का आपराधिक इतिहास रहा है और यह अपराधी कई कांडों में वांछित रहा है। बताया गया कि इस लुटेरे गिरोह द्वारा सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक से घूम घूम कर सुनसान जगह देख कर लूटपाट, हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया करता था। गिरफ्तार सभी अपराधियों न्यायिक हिरासत में गया है। यह सभी लूट गिरोह अपराधी राघोपुर थाना क्षेत्र के माधोगढ़िया स्थित चिमनी भट्टा के पास बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए पुलिस द्वारा लूट गिरोह के मंसूबे पर पानी फेर हवालात पहुंचाने का कार्य किया गया। सुपौल बिहार से बलराम कुमार की रिपोर्ट। अराउंड 2:30 के आसपास सूचना मिला था कि माधोगढ़िया एक गाँव है, वहाँ पे हवाई चिमनी भट्टा के पास कुछ लोग जमावड़ा लगा के रखे हैं, किसी व्यापारी को लूटने के लिए ये लोग कोशिश मतलब प्लान बना के रखे थे। वो सूचना मिलने के बाद राघोपुर थानेदार और त्रिवेणीगंज थानेदार और पिपरा थानेदार और इनके जो टीम में ये एसडीपीओ बीरपुर, ये सब लोग वहाँ पे गए थे और छापामारी मतलब इन लोगों को पकड़ लिए थे। और उन लोगों के पास से ये सब जो भी दिख रहा है यहाँ पे अम्यूनिशन और आर्म्स जो कितना आर्म्स पकड़ाया है और कितने 2 पिस्टल्स और 3 देसी कट्टा ये रिकवर हुआ था। उसके साथ साथ एक मैगजीन भी रिकवर हुआ था और ये जो दिख रहा है 7.315 बोर का 9 कारतूस ये भी रिकवर हुआ था और ये 7.65 mm का ये 17 कारतूस ये भी रिकवर हुआ था। इसके साथ साथ 4 लोग वहाँ पे अरेस्टिंग हुआ था, 4 लोग और 3 लोग जो है वहाँ पे भाग गए थे और ये 4 लोगों के पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ था। ये 4 लोगों का नाम है, ये मुरारी यादव है, मुरारी चौधरी ये लतौना का रहने वाला है, त्रिवेणीगंज का। इसके साथ साथ बीरेंद्र कुमार यादव है, ये भी लतौना का रहने वाला है। अशोक कुमार यादव